अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर आमिर। नाजरीन, जदली मादियत की ये सीरीज़ जारी है। आज 21वीं किस्त में हम जदली मादियत के बारे में मज़ीद बात करेंगे। नाजरीन, जदली मादियत के जो बहुत ही अहम हिस्से थे जिसमें जदली मादियत के कवानीन थे और फिर फ़िलासफ़िकल कैटेगरीज थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज एक लास्ट फ़िलासफ़िकल कैटेगरी है जिसका हम जिक्र करेंगे, वो है फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट मींस मवाद और हैयत क्या होती है। मवाद यानी फॉर्म और हैयत यानी कंटेंट क्या है और उसको जदली मादियत कैसे देखती है। नाज़रीन, जैसा कि हम कोई किताब पढ़ते हैं और हर किताब में मवाद होता है, मटेरियल होता है जिसके बारे में वो किताब लिखी गई है। यानी अगर कोई किताब पाकिस्तान की तारीख के बारे में लिखी गई है तो उसमें कुछ हकायक हैं, कुछ बातें हैं, तो ये जो बातें हैं, ये जो मटेरियल है या सोर्सेज हैं, इसको मवाद कहा जाता है या फॉर्म कहा जाता है। और दूसरा होता है कंटेंट, यानी जो लेखक है, लेखारी है जिसने ये वो किताब लिखी है, उसने उस उन सारी हकायक को कैसे पेश किया है, उसका अंदाज है बयान करने वाला अंदाज तहरीर या असलूब या जिसको अदबी जबान में डिक्शन कहा जाता है कि उसका डिक्शन कैसा है, ये कंटेंट कहा जाता है। यानी एक होता है मवाद और एक होती है कंटेंट। इन मवाद और कंटेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। जैसा कि हम एक लेक्चर सुनते हैं किसी टीचर का, लेक्चर जब अच्छा होता है और उसमें मवाद अच्छा होता है, एक टीचर है उसने एक इशू पर, एक प्रॉब्लम पर अपनी असाइनमेंट तैयार की है, लेक्चर तैयार किया है और बहुत सारा मवाद जो है, जो हकायक हैं, वो उसने इकट्ठी कर ली है, लेकिन अगर उसका बयान करने का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, अगर वो अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता और बोलने का उसका अंदाज ठीक नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। यानी फॉर्म भी मैटर करता है और कंटेंट भी मैटर करता है। अगर फॉर्म एंड कंटेंट पैरेलल चलते हैं, यानी फॉर्म भी अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है, तो वो चीज़ अच्छी होती है और वो मनाजिर या जो भी चीज़ हो उस वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, जैसा कि हमने इस लेक्चर का मिसाल दे दिया। अगर फॉर्म एंड कंटेंट एक दूसरे के मुखालफत में होते हैं, यानी अगर कंटेंट अच्छा है लेकिन मवाद अच्छा नहीं है, अगर हैयत जो है वो अच्छी है लेकिन मवाद अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ भी नहीं चल सकती, और अगर मवाद अच्छा है और हैयत अच्छी नहीं तो भी ये काम नहीं चल सकता। और कैसे नहीं चल सकता, इसका हम एक मिसाल देते हैं। यानी अगर हम न्यू चीज़ बनाते हैं, यानी पिछले दौर में जब पहली, सबसे पहले जो इस दुनिया में पहली कार बनी थी, वो बिल्कुल ही नकल थी एक घोड़े गाड़ी का। अगर हम इस दौर में जो नए तर्ज की और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पर जो कार्स आती हैं, अगर उनकी स्ट्रक्चर वो सेम ही रखी जाएगी तो उसकी स्पीड्स पर असर होगा, उसका जो तरीक़ेकार है, जो ब्रेक सिस्टम है और इंजन सिस्टम है, उस पर असर होगा। यानी अगर मवाद नया है तो उसमें कंटेंट भी नया होना चाहिए। या हम दूसरा मिसाल लेते हैं कि इस दौर में अगर जो सरदार हैं, नवाब हैं, वडेरे हैं, उनको सारे अख्तियार हों और वो सारे फैसले करें और वो ही डिसाइड करें कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, जुर्म क्या है, तो कोर्टें नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता, MP MLA की फिर क्या ज़रूरत है, वो क्या फैसले करेंगे। अगर वडेरे ही रोड्स बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, तो MPA MLA की क्या अहमियत होगी, लेजिस्लेशन की क्या अहमियत होगी, पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी, जुडिशरी की क्या अहमियत होगी और एग्जीक्यूटिव की क्या अहमियत होगी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर नया मवाद आता है, नया दौर आता है, तो कंटेंट भी नया होना चाहिए। अगर कंटेंट और फॉर्म पैरेलल चलते हैं तो वो चीज़ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन अगर फॉर्म पॉजिटिव है और कंटेंट पुराना है तो वो उस फॉर्म को भी नीचे खींचता है और वो काम या वो चीज़ नहीं चल सकती। तो ये था हमारा मुख्तसर सा वीडियो फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में। जदली मादियत की कुछ चीज़ें और कुछ टॉपिक्स अभी भी रहते हैं, जैसा कि जदली मादियत का इल्म के बारे में क्या नज़रिया है और सच के बारे में क्या नज़रिया है, तो ये एक दो वीडियो अभी भी हमें जदली मादियत के बारे में बनानी है। मिलते हैं अगली किस्त।